आपने जो रोजगार वाली बात करी, मैंने देखा रैलियों रैलियों में नारे लग रहे थे, भर्ती दो भर्ती दो। आपको लगता है कि ये है एक्चुअल असल मुद्दा है? आप क्योंकि क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, और आज के दिन में नौजवान क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। आप गरीब से गरीब घर में जाएं और पूछें तो माँ बाप हमेशा कहेंगे कि देखिए दीदी, हमने संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं है। अब यहाँ भर्ती की प्रक्रिया इतनी धूमिल हो गई है, बार बार इम्तिहान देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, कट ऑफ चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो 5-6 सालों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई तो रोजगार नहीं मिले। अब 5 साल से भाजपा सरकार में रही है, योगी जी का राज रहा है, केंद्र में मोदी जी का राज रहा है, चुनाव आता है। पिछले चुनाव में कहा था कि 70 लाख रोजगार देंगे, आज कह रहे हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए। तो बाकी बाकी रोजगार क्यों नहीं दिए? और 12 लाख सरकारी पद खाली क्यों पड़े हैं? 5 साल से आप सरकार में थे। अब आज आप कह रहे हैं, मोदी जी ने कुछ दिनों पहले कहा कि मेरे संज्ञान में छुट्टा जानवर की जो समस्या है वो अभी आई है, और अभी मेरे संज्ञान में आई है तो मैं इसको सुलझाने का काम करूंगा। कैसे हो सकता है? आपके संज्ञान में नहीं आई, आपको तो दुनिया भर की समस्याओं का संज्ञान है, तो सारा फीडबैक मिलता है। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार प्रदेश में है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, उत्तराखंड में भी है, ये राजस्थान में भी है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत भयानक है, 2019 से हम लोग उठा रहे हैं। हर भाषण में मैं कहती थी 2019 में कि इसको सुलझाना है। छत्तीसगढ़ में समस्या है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया भी। कैसे? उन्होंने एक योजना निकाली, उन्होंने कहा कि छुट्टे जानवर की जो देखभाल करेगा उससे हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे, उस गोबर का फिर गोबर गैस में और अन्य चीजों में इस्तेमाल होगा। लेकिन उसका उसके करने से क्या होता है कि लोग छुट्टे जानवर को घर में ले लेते हैं, उसका देखभाल करते हैं, क्योंकि उनकी कमाई भी हो रही है, तो समस्या हल हो गई। अब 5 साल से आप सरकार में हैं, आपने रोजगार नहीं दिलवाई, आपने महंगाई नहीं घटाई, आपने महिलाओं का अत्याचार नहीं घटने दिया, आपने छुट्टे जानवर की समस्या आपने सुलझाई नहीं। आज आप कह रहे हैं कि अभी संज्ञान में आया आपके, आज आप फिर से कह रहे हैं कि आप रोजगार देंगे, आज आप कह रहे हैं कहाँ से देंगे रोजगार? सारे जितनी भी पब्लिक संस्थाएं थी जिनसे रोजगार पैदा होते हो वो तो आपने बेच डाली अपने ही उद्योगपति दोस्तों को, BHEL, NTPC, रेलवे जैसी संस्थाएं अगर बेची नहीं है तो आप योजना कर रहे हैं बेचने के लिए, यहीं से तो रोजगार बनता है। छोटे दुकानदार, मीडियम बिजनेस करने वाले लोग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ से तो रोजगार बनता है, आपने ना इनको मदद किया है। और जो संस्थाएं जहाँ से रोजगार बनती थी वो आपने बेच डाली है, और भर्ती की प्रक्रिया आपने एकदम खत्म कर ली है, तो फिर रोजगार देंगे कहां से? ABP News आपको रखे आगे।